रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी भोपाल में एसोसिएशन ऑफ UNAIDED प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल तुरंत खोले जाए। कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन की अन्य कक्षाएं भी खोली जाए। शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत जैसे स्कूल बच्चों की नियमित शिक्षा देनी हेतु बाध्य है, उसी प्रकार माता पिता को भी अपने बच्चे की निर्बध शिक्षा हेतु स्कूल की फीस भुगतान हेतु आदेश जारी होना चाहिए। साथ ही यदि वे जानबूझकर स्कूल फीस के भुगतान में देरी अनदेखी करते हैं तो उन्हें विलंब शुल्क देने हेतु बाध्य किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने आगे बताया कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा मार्च में नोटिस जारी किया गया था कि कोई भी स्कूल बिना टीसी के किसी अन्य बच्चे को प्रवेश नहीं देगा, परंतु कई निजी एवं सरकारी विद्यालय बिना किसी के बच्चों को प्रवेश दे रही है। ऐसे स्कूल पर शिक्षा विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। भोपाल से संवाददाता सहुद सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज हमें यह समझना पड़ेगा, क्या हम ये मान लें कि चलिए स्कूल बंद करके बच्चे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे गैदरिंग होगी। वहाँ पे गैदरिंग में बताऊंगा स्कूल में पहली से बारहवीं तक के लिए अगर 40 कमरे हैं, हम अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं खुलने की बात कर रहे हैं। अगर 10 कमरों में लगती है तो बच्चों को दो शिफ्टों में बुलाया जा सकता है। 15 के पूरे मेंबर्स जो हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं अपनी इस बात को आवाज देने के लिए। बहुत सारी पंचायतें करी हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाया है, उनकी प्रॉब्लम को समझा है, तो हम चाहते हैं कि एक बार हम स्कूल संचालक और स्कूल शिक्षक जो प्राइवेट स्कूल के हैं उन्हें भी बुलाया जाए और उनकी बात को सुना जाए और हमसे जो जुड़े हुए निर्णय हैं उनमें हमारी एसोसिएशनों का प्रतिनिधित्व हो, हमसे बात की जाए ताकि एक समन्वय वाला निर्णय आ सके जिसको मानने के लिए हम खुशी खुशी मान सके। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह घोषणा करी थी कि जो MP कोड से संबद्ध स्कूल हैं उनकी जो संबद्धता है वो 5 वर्ष कर दी जाएगी, लेकिन इस संबंध में अभी तक आदेश नहीं निकाला गया है। तो हमारी गुजारिश है कि वह आदेश जल्द से जल्द निकले ताकि जो छोटे छोटे स्कूल MP कोड से संबद्ध है उनको बार बार अपनी मान्यता के लिए कार्रवाई ना करना चाहिए। सर, आज की प्रेस वार्ता जो है, जो मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया है कि स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे और स्कूल केवल ट्यूशन फीस लेंगे और स्कूल फीस नहीं बढ़ाएंगे, उसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों को रिप्रेजेंट करते हुए आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। और हमारी सरकार से मुख्य 8 मांगे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमें एक आर्थिक पैकेज दे दे जिसके कारण हम फीस बढ़ाए बिना भी बच्चों को शिक्षण करते रहें। अगर सरकार आर्थिक पैकेज नहीं देती है तो स्कूल दिवालिया हो जाएंगे, EMI नहीं भर पाएंगे, तनख्वाहें नहीं दे पाएंगे, बंद हो जाएंगे। इससे बेटर है कि हम 12 तारीख से स्कूल स्वयं बंद कर दें, जिसमें अब जो होना होगा देखेंगे। जी ने जब से आदेश दिया है, जब भी बोला है कि तीसरी लहर के बात करेंगे, उस दिन से क्लासेस ऑनलाइन आधे बच्चे गायब हो गए। तो हमारा मुद्दा यही है कि एक तो एक क्लियर कट डायरेक्शन हो कि कब से कॉलेज स्कूल खुलेंगे, और दूसरा जो फीस के बारे में भी उन्होंने का जो कहा है वो कोर्ट्स के अब मिलना है। हम चाहते हैं कि भाई जो फीस के जो पुराने आदेश हैं वो लागू रहें, और अगर उन पर एक्शन नहीं होता है या नहीं होता है तो हम 12 तारीख से क्लासेस बंद कर देंगे। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।